क्या बीजेडी पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया? जय अनंत ने आखिर क्यों कहा दुश्मनों और रक्षा ठेकेदारों की करते हैं मदद? पिनाकी मिश्रा ने देश की रक्षा को लेकर उठाए गंभीर सवाल, जाने क्या है पूरा मामला विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जय अनंत देहाद्रई ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजू जनता दल के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से सवाल किया कि क्या आप जनहित में बता सकते हैं कि आपने संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री से भारत की दो परमाणु पनडुब्बियों के बारे में विशिष्ट परिचालन विवरण क्यों मांगे। जय अनंत देहाद्रई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा कि आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो परमाणु पनडुब्बियों जैसी राष्ट्र की रणनीतिक संपत्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। देहाद्रई ने पिनाकी मिश्रा को एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, पनडुब्बियों की क्षति की सीमा, मरम्मत की लागत, समुद्र में चलने की तिथि, इस पर आप जानकारी कैसे मांग सकते हैं। देहाद्रई ने आगे लिखा, ऐसी जानकारी जो हमारे देश के दुश्मनों और रक्षा ठेकेदारों की मदद कर सकती है, क्या किसी सांसद को ऐसे विषय पर चर्चा करनी चाहिए? क्या कहा था बीजेडी सांसद ने? बता दें, बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा ने मार्च 2018 में संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में भारत के दो परमाणु पनडुब्बियों को लेकर सवाल उठाया था। बीजेडी में सांसद रहे पिनाकी मिश्रा ने रक्षा मंत्रालय से सवाल करते हुए पूछा था कि क्या सरकार ये बताएगी कि INS अरिहंत को कितनी क्षति हुई है और इसकी मरम्मत की अनुमानित लागत क्या है। साथ ही उन्होंने आगे पूछा कि इसकी मरम्मत कब तक होगी और इसके परिचालन क्षमताओं के साथ रवाना होने की क्या संभावना है। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने दिया जवाब। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पूर्व रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस बात की सूचना नहीं दी जा सकती। यहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जुड़े किसी भी अहम मामले की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी जा सकती, जिसका जवाब देने से रक्षा राज्य मंत्री ने इनकार कर दिया था। देश की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को साल 2016 के अगस्त में गोपनीय रूप से कमीशन दे दिया गया था। दिसंबर 2014 से इसके गहन परीक्षण चल रहे थे। ये पनडुब्बी 83 MW प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर पर काम करती है। इसके जरिए 750 और 3500 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकेगा। हालांकि अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में ये क्षमता काफी कम है। इन देशों के पास 5000 किलोमीटर तक मार सकने वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM है। बीजेडी सांसद ने अपने अधिकारों का किया दुरुपयोग। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों को संसद में पूछने और उस पर चर्चा करने की मांग करना दोनों ही देश की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। आखिर बीजेडी सांसद इस तरह के सवाल करके किसकी मदद करना चाहते हैं? ये कोई पहली बार नहीं है कि बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना सवाल किए हैं। इससे पहले भी वे देश की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठा चुके हैं। अनंत देहाद्रई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा। बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में वकील जय अनंत देहाद्रई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जहां पुरी से लोकसभा सांसद मिश्रा ने देहाद्रई पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। पिनाकी मिश्रा ने देहाद्रई पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और उन्हें उड़िया बाबू, पुरी के दलाल, कैनिंग लेन जैसे नामों से बुलाने का आरोप लगाया। मिश्रा ने अपने मुकदमे में कहा कि उनकी तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के साथ गहरी दोस्ती है, जो देहाद्रई की पूर्व साथी हैं। बता दें, महुआ मोइत्रा को पिछले साल दिसंबर में देहाद्रई द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। मोइत्रा पर देहाद्रई ने आरोप लगाया था कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरा नंदानी से संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत ली थी, जिसके बाद मोइत्रा और देहाद्रई ने एक दूसरे के खिलाफ उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है।
इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।